हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। सतपुड़ा ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम आपको डीसी जनरेटर के कुछ इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल करवाएंगे, है ना। जैसा कि हमारा डीसी जनरेटर चैप्टर कंप्लीट हो गया है, ठीक है, तो वो वीडियो आप जाके देख लीजिए, है ना। चलिए तो हम अपने क्वेश्चन में चलते हैं। पहला क्वेश्चन है अपना कि एक 4 ध्रुवीय डीसी जनरेटर 1500 आरपीएम पर चल रही है, आर्मेचर बाइंडिंग में धारा की आवृत्ति क्या होगी, ठीक है। तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या क्या दिया है लिख लेते हैं। 4 ध्रुवीय मतलब P बराबर कितना दिया है, 4। फिर 1500 आरपीएम, आरपीएम को हम किस से नोट करते हैं, एन से। एन बराबर कितना है अपना, 1500, ठीक। इसके बाद फिर आवृत्ति अपने को निकालना है, मतलब फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए बोला है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी का फार्मूला क्या होता है, फ्रीक्वेंसी का होता है एफ बराबर पी एन अपान 120, यही फार्मूला होता है ना अपना। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, तो पी का मान कितना दिया है, 4, ठीक है, गुड़े एन का मतलब मान कितना दिया है, 1500 बटे 120, ठीक है। अब देखिए ये शून्य से शून्य कैंसिल हो जाएगी ना, 4 एकम 4, 4 तिहाई 12, 3 एकम 3, 3 5 15, है ना। तो कितना बचा आपका, 50, कितना बचा, 50, 50 हर टच किया जाएगा, आपका आंसर आ गया, है ना। तो मतलब कि धारा की आवृत्ति क्या होगी, 50 हर टच होगी, कितनी होगी, 50 हर टच, है ना। चलिए हमारा पहला क्वेश्चन था, अब हम सेकेंड क्वेश्चन में चलते हैं। तो देखिए सेकेंड क्वेश्चन क्या है आपका, सेकेंड क्वेश्चन है कि एक संट जनित्र 220 वोल्ट के टर्मिनल विभवांतर पर 195 एम्पियर प्रदान करता है। आर्मेचर रेजिस्टेंस और संट क्षेत्र रेजिस्टेंस क्रमशः 0.02 ओम है और 50 ओम है। तो जनित्र का विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम अगर हमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन मिले तो हमें लिख लेना चाहिए कि क्या क्या वैल्यू दी हुई है। तो चलिए हम लिखते हैं इसमें क्या क्या दिया हुआ है, ठीक है। तो क्या दिया है इसमें आपका, सबसे पहले जैसे वोल्टेज कितना दिया है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो 250 वोल्ट दिया है, है ना। इसके बाद फिर 195 एम्पियर दिया हुआ है, ठीक है। इसके बाद फिर आर्मेचर रेजिस्टेंस का मान कितना दिया हुआ है, 0.02, ठीक। और इसके बाद फिर संट रेजिस्टेंस का मान कितना दिया है, संट रेजिस्टेंस का मान दिया है आपका 50 ओम, ठीक है। तो अब हमें निकालना क्या है, विद्युत वाहक बल, मतलब जनित्र का विद्युत वाहक बल का मान क्या होगा। तो जब अभी हम आपको संट जनित्र पढ़ाए थे तो संट के विद्युत वाहक बल का मान बताए थे, है ना, ठीक है। ईएमएफ इक्वेशन ऑफ संट जनरेटर्स, ठीक है। तो देखिए क्या फार्मूला होता है आपका, फार्मूला होता है आपका ई बराबर वी प्लस आई ए इंटू आर ए, है ना, यही फार्मूला होता है ना। चलिए हम वैल्यू पुट कर देते हैं। तो भी कितना दिया है आपका, 250 वोल्ट, ठीक है, प्लस आई ए तो हमारे क्वेश्चन में नहीं दिया है, आई ए में निकालना पड़ेगा, है ना। आर ए दिया है 0.02, ठीक है। देखिए जब हम फार्मूला पुट करते हैं तो हमें मालूम पड़ जाता है कि क्या वैल्यू अपने को दी है, क्या नहीं दी हुई है, है ना। तो यहाँ पे हमें आई ए नहीं दिया है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में अगर हम देखें तो विभवांतर पर 195 एम्पियर प्रदान करता है, ठीक है, ये आपकी लोड करंट हो गई, ठीक है। अब यहाँ से हम निकाल लेते हैं, तो फार्मूला क्या होता है आपका, आई ए बराबर क्या होता है, आई एस प्लस आई एल, ठीक है। तो टोटल आई बराबर हो जाएगा आपका 195, नहीं हो गया, ठीक है। अब क्या हो जाएगा आपका, तो यहाँ पे आपका वोल्टेज कितना दिया है, 250, है ना, 250 वोल्टेज दिया है, ठीक है। और रेजिस्टेंस कितना दिया है, 50 ओम, ये रेजिस्टेंस कितना दिया है आपका, 50 ओम, तो बटे 50 हो जाएगा, जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 5 एम्पियर, तो प्लस 5 हो जाएगा। इन दोनों को हम जब ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 200 एम्पियर, ठीक है। तो आपकी ये आई ए निकल के आ गई, आई ए कितना आ गई, इंटू 200 एम्पियर, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका, 250 प्लस ये हो जाएगा आपका 4, है ना, बटे ये कितना हो जाएगा, 254 वोल्ट, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, यदि डीसी संट जनरेटर 9 एम्पियर पर 1.8 किलोवाट का भार प्रदान करता है और संट करंट 1 एम्पियर है, तो आर्मेचर करंट का मान निकालिए, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है आपका, आई एस एच,
है ना, संट करंट ने कितना दी हुई है, मतलब कि 1.8 किलो, तो ये क्या हो जाएगा जब इसको हम वाट में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 1800 वाट, है ना। कितने एम्पियर पे दे रहा है, 9 एम्पियर पे, कितने एम्पियर पे, 9 एम्पियर पे, ठीक है। तो इसके बाद संट करंट कितना दिया है, 1 एम्पियर, ठीक। अब आपसे पूछा क्या है क्वेश्चन में, आर्मेचर करंट क्या होगी, तो आर्मेचर करंट का फार्मूला क्या हो जाता है, आई ए बराबर क्या होता है आपका, आई एस एच प्लस आई एल, यही होता है ना। अब देखिए, अब आई एस एच का मान कितना दिया है, 1 प्लस, अब क्वेश्चन को अच्छे से देखिए यहाँ पे क्या दिया है, 1 जनरेटर 9 एम्पियर पर इतना भार प्रदान करता है ना, मतलब लोड करंट हमारी कितना दी है, 9, है ना। तो 9 1 कितना हो जाएगा, 10, है ना, 10 एम्पियर आपके आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक संट जनरेटर 220 वोल्ट टर्मिनल वोल्टता पर भार को 15 एम्पियर प्रदान करता है, संट फील्ड रेजिस्टेंस इतना ओम है, तो आर्मेचर धारा क्या होगी, है ना। ये भी क्वेश्चन इजी है, ठीक है। चलिए देखें, तो सबसे पहले क्या क्या क्वेश्चन में दिया है इसको हम लिख लेते हैं, ठीक है। टर्मिनल वोल्टेज आपको कितना दिया है, 220 वोल्ट, ठीक है। और इसके बाद लोड करंट कितनी दी हुई है, लोड करंट कितना दिया हुआ है आपका, 15 एम्पियर, ठीक है। और संट रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है आपका, 220 ओम, ठीक। क्या बोला है क्वेश्चन में, आर्मेचर धारा का मान निकालिए, है ना। आईए का मान अपने को क्या करना है, निकालना है। अब आईए बराबर क्या होता है आपका, संट रेजिस्टेंस में आईए बराबर हो जाएगा आपका आईएल प्लस आईएसएच, है ना। अब देखिए, ये हो जाएगा आपका लोड करंट दी है ना कितना, 15 एम्पियर, प्लस आईएसएच का, आईएसएच कहीं नहीं दिया है ना, आईएसएच का मान निकालिए। आईएसएच बराबर क्या होता है, वी अपान आरएसएच, वी कितना दिया हुआ है आपका, 220 बटे, है ना। इसके बाद आरएसएच कितना दिया है, 220, कितना आ जाएगा, एक, आप एक यहाँ पे ला दीजिए, है ना, 15 × 16 एम्पियर, है ना। तो आर्मेचर करंट निकल के कितना आ गई, 16 एम्पियर, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक संट जनित्र 440 वोल्ट पर 40 एम्पियर लोड विद्युत धारा की आपूर्ति करता है, संट वोल्टेज रेजिस्टेंस इतना ओम है तथा आर्मेचर रेजिस्टेंस इतना है, तो आर्मेचर विद्युत धारा की गणना करें, है ना। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। तो आर्मेचर विद्युत धारा का फार्मूला क्या होता है, अभी जस्ट हम पिछली वीडियो में पढ़े ही हैं, क्या होता है, आईए बराबर आईएल प्लस आईएसएच, यही फार्मूला होता है ना, है ना, आईए बराबर आईएल प्लस आईएसएच, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे आपके क्वेश्चन में है ना, लोड करंट क्या दी हुई है, 40 एम्पियर, 40 हो गया, प्लस आई एस एच उसी फार्मूले से निकाल लेंगे, वी अपान आर एस एच, वी कितना दिया है आपका, 440, कितना दिया है, 440, ठीक है। और आर एस एच कितना दिया है, 220, जब इसको हम काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 2, है ना। ये आई एस एच यहाँ पे 2 पुट कर देंगे, ये 2 आ गया, तो 40 × 2 = 42, है ना। आर्मेचर करंट का मान कितना आ गया, 42 एम्पियर आ गया, ठीक। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक संट जनरेटर 1000 RPM की रफ्तार से चल रहा है, अगर फ्लक्स को आधा कर दिया जाता है तो नई रफ्तार क्या होगी, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए, हम पढ़े थे डीसी जनरेटर में अपन ई समानुपात फाई एन, ठीक। अब अगर हम यहाँ से एन का मान निकालें तो एन समानुपात ई अपान फाई, अगर फाई को हम क्या करेंगे, आधा करेंगे, तो एन क्या हो जाएगा हमारा, 2 गुना हो जाएगा ना। तो 1000 RPM करेंगे तो स्पीड क्या हो जाएगी, अगर फ्लक्स को आधा करेंगे तो रफ्तार क्या हो जाएगी, मतलब स्पीड हमारी 2 गुनी हो जाएगी। तो 1000 है तो 1000 में जब 2 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2000, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 2000, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 100 खाँचों वाली और प्रति खाँचा 10 चालक युक्त 10 ध्रुव तरंग लेपित जनित्र को जब 1200 RPM में परिचालित किया जाता है तो उत्पन्न विद्युत वाहक बल का मान परिचालन के लिए प्रति ध्रुव अभिवाह 0.01 वेबर है। चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना। ये हमारा क्वेश्चन कहाँ से आ गया है, MFA क्वेश्चन ऑफ DC जनरेटर से, है ना। चलिए, तो E बराबर क्या होता है आपका फार्मूला,
फाइ जेड एन पी अपन 60 इंटू ए, है ना, यही फार्मूला होता है ना। मतलब फाई क्या होता है फ्लक्स, जेड क्या होता है आर्मेचर चालकों की संख्या, यानी क्या होता है स्पीड, पी क्या होता है नंबर ऑफ पोल, ए क्या होता है समांतर पथों की संख्या। चलिए पूरी वैल्यू पुट कर देते हैं इसमें, ठीक है। तो फ्लक्स का मान कितना है 0.01 गुड़े, ठीक है। फिर क्वेश्चन में क्या दिया है, 100 खाँचों वाली प्रति खाँचा 10 चालक युक्त हों, है ना। तो 10 इंटू क्या हो जाएगा 100, पोलों की संख्या कितनी दी हुई है 10 ध्रुव, है ना, ये हो जाएगा। स्पीड कितना है 1200 बटे बटे 60 इंटू, हाँ इस वाले क्वेश्चन को थोड़ा सा और सामने देख लेते हैं एक बार। तो 100 खाँचों वाली और प्रति खाँचा 10 चालक 10 ध्रुव तरंग लेपित यंत्र में जब 1200 आरपीएम में परिचालित किया जाता है तो उत्पन्न विद्युत विभाग बल का मान परिकलन कीजिए यदि प्रति ध्रुव अभिवाह 0.01 वेबर है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन में देख लेंगे, है ना, कि क्या क्या दिया है, लिख लेंगे सबसे पहले, ठीक है ना। तो इसका फार्मूला हो गया आपका फाई जेड एन पी अपन 60 इंटू ए। फाई क्या है, जेड क्या है, ये सब बता दिया आपको, है ना। फाई फ्लक्स होता है, जेड चालकों की संख्या होती है यानी स्पीड होता है, पी नंबर ऑफ पोल होता है, 60 ए क्या होता है समांतर पथों की संख्या। अब देखिए फाई का मान कितना है 0.1, इसके बाद जेड, तो जेड का मान क्या है यहाँ पे 100 खाँचों वाली 10 चालक युक्त, तो दोनों का गुणा हो जाएगा तो 100 गुणे 10 हो जाएगा इंटू एन कितना दिया है 10, यानी एन मतलब स्पीड कितना दिया है आपका 1200 आरपीएम, ये 1200 हो गया, इंटू ध्रुव कितने हैं 10 बटे 60 इंटू समांतर पथों की संख्या कितनी हो जाएगी। अब ये कौन सा है आपका तरंग लेपित है ना, तो मतलब वेब बाइंडिंग, वेब बाइंडिंग में क्या हो जाता है ये बराबर 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ए बराबर 2 हो जाएगा, है ना, ये 2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको हम काट देते हैं, जब इसको हम काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ पे अगर हम इस पॉइंट को हटाएंगे तो कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, है ना। अब ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये शून्य से ये वाला शून्य कैंसिल हो जाएगा, है ना। अभी हो जाएगा आपको 2 एकम 2, 2 छक्का 12, ठीक है, यहाँ पे 60 है ना अभी, ठीक है, ये हो जाएगा 6 एकम 6, 6 दहम 60, तो क्या बचा आपका 10 गुड़े 10 गुड़े 10, है ना, मतलब 10 दहम 100 दहम 1000 वोल्ट आपको क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो है ना, नेक्स्ट और वीडियो में हम आगे के न्यूमेरिकल क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है। और आप लोग भी सॉल्व करिए, जो क्वेश्चन आपसे ना आए वो हमें मैसेज करके भेजिए, मैं उसको आपको लगा के क्वेश्चन भेजूँगा, ठीक है। तो थैंक यू दोस्तों।